खबरों की नई पहचान। ओडिशा के बालासोर में 3 ट्रेनों के आपस में टकराने से भीषण हादसा हुआ, जिसमें अभी तक 280 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 900 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। हादसे के बाद बचाव और राहत कार्य जारी है। रेल मंत्री ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। वहीं हादसे की वजह से कई ट्रेनों को आज कैंसिल किया गया है। कल रात से कंटिन्यूसली रेलवे, NDRF, SDRF और राज्य सरकार सभी मिलके रेस्क्यू का ऑपरेशन कर रहे हैं। कंप्लीट मोबिलाइजेशन किया गया है बालेश्वर की तरफ से, उधर भुवनेश्वर की तरफ से कंप्लीट मोबिलाइजेशन किया है। परिवारों, उन सभी परिवारों के साथ मेरी प्रार्थना है जिनके परिवार का मेंबर इस ट्रेजेडी में चले गए, और सभी जहां पर भी बेस्ट पॉसिबल हेल्थ केयर फैसिलिटी होगी, चाहे कटक में, भुवनेश्वर में, एम्स में, इधर कलकत्ता में, कहीं पर भी जो बेस्ट पॉसिबल हेल्थ फैसिलिटी होगी वो दी जाएगी। कंपेंसेशन का अमाउंट कल रात में रेलवे की तरफ से डिक्लेयर हो गया था। एक हाई लेवल कमेटी भी ऑलरेडी डिक्लेयर हो गई है, जो कि इस पूरे एक्सीडेंट में इंक्वायरी करेगी। कमिश्नर रेल सेफ्टी को भी बुलाया गया है, वो भी इंक्वायरी करेंगे। अभी सारा का सारा फोकस रेस्क्यू पे है और कंप्लीट फोकस है। जिस तरह से जिनके भी गहरी चोटें आई हैं उनको ठीक जगह पे पहुंचा के उनका इलाज कराया जाए और परिजनों के पास ठीक खबर पहुंचे, सारा फोकस उस चीज पे। खबरों की नई पहचान।